हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका बेटा खेसारी लाल यादव, जिसको आप लोगों ने संवारा है, सजाया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्यार से। जिसको आप लोगों ने बनाया है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग के मनोरंजन के लिए ऐसी फिल्में करूँ जिससे आप सबका हेल्थी मनोरंजन हो सके। और मेरी कोशिश भी रही है कि आपका लगाया हुआ पौधा एक ऐसा पौधा बने जिससे आपको अच्छा फल दे और वो मनोरंजन का फल हो। और मेरी कोशिश में मैं कामयाब भी हुआ हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी हर उस मोड़ पे आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा है। हेलो सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जय हो बाबा। आप ब्राह्मण आदमी हैं, चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई। और मेरी कोशिश रही है कि मैं हर वो फिल्म आपके मनोरंजन के लिए करूँ और आपका हेल्थी मनोरंजन हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी फिल्में करता हूँ वो अच्छी हो, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जो मेरे दिल के करीब होती है। और जिस तरह की मेरी मेहंदी लगा के रखना आप लोगों ने बहुत सराहा, और मुझे करके उस फिल्म को बहुत खुशी मिली, जिसके डायरेक्टर माननीय रजनीश मिश्रा जी और हमारे अनंजय रघुराज जी, काजल रघवानी जी, अवधेश मिश्रा जी, परमहंस जी, जितने भी कलाकार उसमें हैं, सब लोगों ने संजय पांडे से लेकर ऋतु सिंह से लेकर आनंद मोहन पांडे से लेकर संजय महानंद तक, हर आदमी ने अच्छा रोल किया। और आप लोगों ने सराहा भी। सोनू सौदागर जी, थैंक यू, लव यू भाई, लव यू। उसी तरह मेरी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है दिलवाला, 21 तारीख को रिलीज हो रही है आप सबके बीच में, और उसके डायरेक्टर हैं हमारे सतीश जैन जी, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर एक फिल्म में दो फिल्में दी जिसका नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ रिक्शा वाला 2। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की जिसका नाम था दिलवाला। और उसी तरह जिस तरह मेहंदी लगा के रखना मेरी फिल्म मेरे दिल के करीब थी, उसी तरह ये भी मेरी कुछ फिल्में ऐसी होती है जो दिल के करीब होती है, जो आप सबके प्यार के लिए मैं करता हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं ऐसी ही फिल्म करूँ जो कि आपका हेल्थी मनोरंजन हो सके और आपकी कोई दिल को ठेस ना पहुँचे। उसी तरह मेरी दिलवाला फिल्म है जो कि 21 तारीख को रिलीज हो रही है आप सबके बीच में। मैं दोस्तों आप सबको बता देना चाहता हूँ कि उस दिलवाला फिल्म के रिलीज कराने में जो मुझे कष्ट हुई है, जैसे कि कोई यज्ञ होता है और उसमें बहुत सारी बधाएं होती हैं, वैसे ही बधाएं मेरी दिलवाला फिल्म के लिए हुई। बहुत सारे खेसारी लाल यादव, आप सबका भाई, आप सबका बेटा, जो आप सबके आशीर्वाद से बना है, वो मुजरिम बन गया, मेरे पे केस हो गया दिलवाला फिल्म को रिलीज कराने में। बहुत सारी चीज़ें हुई, उलझने आई। उसी तरह सतीश जैन जी ने जो दिलवाला फिल्म बनाई, उनकी इन दोनों मूवी से, जिस तरह ये दोनों मूवी माननीय बड़े भैया मेरे दिनेश लाल यादव जी जो फिल्म किए थे निरहुआ हिंदुस्तानी और निरहुआ रिक्शा वाला 2, उसी के डायरेक्टर सतीश जैन जी ने बेहतरीन एक सिनेमा बनाया, जिसके प्रोड्यूसर राजू जी, गुड्डू पाल जी, और बड़े अच्छे से और उन्होंने सजाया। उसी तरह जिस तरह मेहंदी लगा के रखना मेरी मूवी थी, उसी तरह इस फिल्म को उन्होंने बनाया। लेकिन उलझने इतनी आई कि इसको रिलीज़ कराने में मेरे ऊपर केस हो गया और मैं आज केस लड़ रहा हूँ इस फिल्म को रिलीज़ कराने के लिए। तो आपका प्यार मैं जानता हूँ कि आप मेरी अदालत और आपकी अदालत में एक ऐसी आपकी अदालत है कि वहाँ हर आदमी का इंसाफ होता है। आपका भाई मुजरिम बन गया, आपका बेटा मुजरिम बन गया, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस आपने ही संवारा है इस पेड़ को, इस पौधे को, कि एक अच्छा फल दे। और मैंने कोशिश भी की कि मैं अच्छा फिल्म करूं, अच्छी सिनेमा करूं, ताकि आपका हेल्थी मनोरंजन हो सके। और एक गरीब का बच्चा हूं मैं और आज केस लड़ रहा हूं मैं, लेकिन सारे कष्टों के बाद जो यज्ञ पूरा होता है, उस यज्ञ में सफलता आप सबके आशीर्वाद से होती है। और मेरे यज्ञ के हर उस सिनेमा मेरे लिए यज्ञ है, और सफल बनाना आप सबका प्यार और आप सबका आशीर्वाद है, जो कि सफल बनाता भी है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ,
एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, आज भी गरीबी में ही जीने का एक मज़ा है और जीने की कोशिश भी करता हूँ। मैं किसी का दिल दुखाता नहीं, कोशिश करता हूँ कि आप सबका मनोरंजन करूँ। ज़रूर करेंगे रिप्लाई भाई, थोड़ा सा बिजी रहते हैं, बस टेंशन इसी बात का है कि आज आपका भाई अपराधी बन गया। आज तक मेरे पे कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन इस फिल्म के वजह से मेरे पे केस हुआ। और बहुत अच्छी एक मैं मूवी का हिस्सा बना हूँ, इसका मुझे फ़ख्र है कि, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं ऐसी मूवी का हिस्सा बना हूँ जो कि मेरी मेहंदी लगा के रखना से भी ऊपर की एक चीज़ है ये। क्योंकि मेहंदी लगा के रखना जो आई, आप लोगों ने सराहा, और सतीश जैन जी की बेस्ट डायरेक्टरी के आधार पे ये फिल्म बने। मैं क्या बता सकता हूँ कि वो एक कैपेबल और हेल्थी डायरेक्टर हैं जो कि सेट पे चार्ज रहते हैं। और उन्होंने निरवा हिंदुस्तानी जो दिनेश भैया को लेकर बनाई, निरवा रिक्शा वाला 2 जो दिनेश भैया, उसमें मेरे बड़े भाई हैं, मेरे आदर्श हैं, वो मेरे बहुत मानता हूँ भैया को मैं, उनका प्यार मुझे बहुत मिलता है। थैंक यू लव यू भाई जी, आप मुझे, मैं एक्टर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, प्यारा भाई हूँ विकास यादव जी। बस आप सबका प्यार है, बस हुआ है केस, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद मेरी फिल्म 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अदालत में इंसाफ इसका ज़रूर होगा। और हाँ, उसमें मेरा और अक्षरा जी का जोड़ी, जितने भी मैंने फिल्म अक्षरा जी के साथ किया है, वो बहुत सुलझी हुई एक्ट्रेस हैं और बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो मेरी सीनियर हैं। उन्होंने, मैं जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे स्टार के साथ काम किया था, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उनके साथ, जब भी मेरा फिल्म हुआ है बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ मेरा। और ये मेरी बहुत दिन के बाद उनके साथ एक मेरी मूवी आ रही है जिसका नाम दिलवाला है। और चांदनी छोटू पांडे जी, बस आशीर्वाद आप सबका, बाबा आप पांडे हैं तो हर ब्राह्मण मेरे दिल में रहता है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का शिष्य हूँ, जो मेरे गुरु जी हैं व्यास कमलाकांत मिश्रा जी, वो एक ब्राह्मण है, और उसी तरह मैं हर ब्राह्मण को अपना गुरु ही मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी में ब्राह्मणों का बहुत योगदान है, बहुत प्यार मिलता है आप सबसे मुझे। और राहुल तिवारी जी, अरे चिंता, आप सबका प्यार मेरे साथ है, क्योंकि आपकी अदालत में तो हमेशा इंसाफ हुआ है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज मैं 3 केस में उलझा हुआ हूँ, 2 केस को बारे में आप सबको नहीं बता पाऊँगा, 2 केस कहाँ से हुआ है, 1 केस तो फिल्म के वजह से हुआ है, बाकी 2 केस तो मैं कि परेशान हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपका प्यार है, परेशान हो थोड़ा, लेकिन जिसके पास आप सबका आशीर्वाद और आप सबका प्यार, कि इस पेड़ को लगाने में आप लोगों ने जो मेहनत की है, मैं एक पेड़ हूँ, एक पौधा जिनको आप लोगों ने अपने पानी डाल डाल कर सींचा है और एक फलदार पेड़ बनाया है मुझे। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं आज भी अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं सारी फिल्में करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी फिल्में अच्छी देता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ फिल्म जो होती है जो दिल के करीब होती है, जैसे कि मेरी दिलवाला, और सतीश जैन ने कमाल का काम किया है, आपको लगेगा कि निरवय हिंदुस्तानी देख रहे हैं हम, और अद्भुत कहानी, और अक्षरा जी एक अद्भुत एक्ट्रेस हैं, उनके बहुत सारे अनुभव हुए हैं और बहुत सारी फिल्मों, और जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई, और अक्षरा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ मैंने जब भी काम किया बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा, जब भी मैंने काम किया कुछ सीखने को मिला उनसे, मेरा उनसे हमेशा मैं सीखा हूँ कुछ, क्योंकि एक अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। और अक्षरा जी का और मेरा ये फिल्म जो है बहुत दिन बाद रिलीज हो रहा है, तो बस आप सबका प्यार इस फिल्म को मिलना चाहिए। और जो उलझने आई इसको रिलीज़ कराने में, आज 1 साल से मैं परेशान हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि एक अच्छी फिल्म है इसलिए इतना परेशान हूँ, अगर कुछ ऐसी फिल्म होती तो शायद मैं परेशान नहीं होता। और दिलवाला एक ऐसी मूवी है कि आपको लगेगा जी एक मिट्टी की खुशबू उसमें भरी गई है, और जिस तरह मेहंदी को आप लोगों ने प्यार दिया वैसे ही एक मूवी, क्योंकि अच्छी मूवियों को आप सबका प्यार मिलता है, और जब अच्छी मूवी को प्यार मिलता है तो हर वो प्रोड्यूसर, हर वो डायरेक्टर चाहता है अच्छी मूवी बनाना। तो मैं चाहूँगा कि बस जनता की अदालत में मेरे केस का इंसाफ हो, जो मैं आज केस लड़ रहा हूँ इस मूवी के लिए, आज मुजरिम बन गया आपका भाई। खान साहब लव यू भाई, लव यू। विकास यादव जी, जय भोले भाई, जय भोले। शमीम भाई, दिलवाला मूवी का नाम है,
और जो 21 तारीख को रिलीज हो रही है आप सबके बीच में, जिसके लिए मैं केस भी लड़ रहा हूँ, लेकिन बस जीत आप सबके हाथ में है। और 21 तारीख को आप सबको ही बताना है कि जनता की अदालत में कितनी ताकत होती है। बस एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बना हूँ, और मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि जो भी, मैं इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छी मूवी बनी है ये, और इतनी अच्छी मूवी कि शायद मैं क्या बताऊँ आप सबको, क्योंकि बहुत कम ऐसी मूवी होती है जो कि अच्छी बनती है। कभी कभी आदमी काम करता है लेकिन हर मूवी के लिए मैं अपील नहीं करता, इसलिए मेहदी के लिए मैंने बहुत सारी अपील आप सबसे की। और मैं एक ही मूवी के उलझन में नहीं हूँ, करीब दो मूवियों को उलझन में हूँ। जो मैं अच्छी मूवी करता हूँ पता नहीं क्यों किसकी नज़र लग जाती है, पता नहीं इंडस्ट्री में क्यों मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती है। एक मेरी मूवी अभी 4 तारीख को भी रिलीज है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद, उसका नाम चेंज करना पड़ा मुझे, जिसका नाम हम हैं हिंदुस्तानी उसका रखा गया है, जो कि 4 को रिलीज है, 4 अगस्त को। और दिलवाला जो मेरी एक घरेलू पारिवारिक मूवी है जिसके लिए मैं आज केस लड़ रहा हूँ, मुजरिम बन गया, आज तक मैंने एक चूहा को नहीं मारा, उसके बावजूद भी आज मेरे पे केस उसके वजह से हो गए। लेकिन ठीक है, मुझे पता है कि आपकी अदालत में मेरा इंसाफ ज़रूर होगा, और आपका अर्जुन आर्या, आई लव यू, लव यू भाई। मेरा लव यू थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं देहात का हूँ तो मैं आई लव यू बोलता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि खेसारी को आई लव यू सिखाओ, क्या करो भाई, जब पढ़ा लिखा नहीं हो तो जब गांव में था तो आई लव यू ही बोलता था। और आज भी चाहता हूँ कि मेरी बचपना जो है आज भी आप सबके बीच में रहे, क्योंकि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊँ आप सबका बच्चा ही हूँ, आप सबका भाई ही। तो ज़िंदगी में आप मेरे हर वो आदमी मेरा गार्जियन स्वरूप है। बिक्की राज, लव यू भाई, लव यू। जय श्री राम, अभिषेक आनंद सिंह जी और मनु वर्मा जी, लव यू भैया। प्रसाद जी, बस टेंशन कुछ नहीं है, आप मेरे साथ हैं तो मुझे टेंशन किस बात की होगी बताइए। और आप लोगों ने इतना सारा प्यार मुझे जो दिया है, उस प्यार का कर्जा तो शायद खेसारी मरते दम तक नहीं चुका पाएगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कोई अनमोल है तो उसका वो है जनता की अदालत, और आप सबने मुझे सींचा है। क्योंकि मैं अगर आज यहाँ बना हूँ तो सिर्फ आपके प्यार के बदौलत, मैं हर वो फिल्म करता हूँ सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, थोड़ा सा फनी हूँ मैं, बोलता ज़्यादा हूँ इसलिए कि मुझे आज भी बचपना में जीने की एक अच्छा लगता है और मज़ा आता है। और मेरे साथ काजल रघवानी जी भी हैं, जो कि हम लोग एक मूवी कर रहे हैं जी, जिस फिल्म का नाम है दीवानापन, और हम लोग खजुराहो में हैं, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और अजीत निसार जी, अली निसार जी सॉरी, आयुष पांड, प्रताप जी, लव यू भाई। थोड़ा सा आयला भी मेरा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग डाइजेस्ट कर लीजिएगा प्लीज। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, एंड आई होप कि आप सबको दिलवाले दिलवाले दिलवाला दिलवाला बहुत अच्छी लगेगी। एंड बहुत टाइम बाद ये फिल्म, बहुत सारी उलझन आई इस फिल्म में, बहुत पहले रिलीज हो रही थी बट अभी नहीं हुई, बट अभी हो रही है, 21 तारीख को। 21 तारीख को हो रही है, तो आप सब जरूर देखिए। और जिस तरह से सारे फिल्मों को प्यार देते हैं उस तरह से इस फिल्म को भी प्यार दीजिए। और इस फिल्म के डायरेक्टर है सतीश सतीश जी, जिन्होंने निरोआ हिंदुस्तानी बहुत हिट दी थी, और निरोआ हमारे रिक्शा किस वाला 2, निरोआ रिक्शा वाला 2, बहुत सारी काफ़ी फिल्में दी है। एंड हमारे सुपरस्टार हैं खेसारी जी और अक्षरा जी हैं, और सबने बहुत अच्छा वर्क किया है, सो सबको ढेर सारा प्यार दीजिए और इस फिल्म को प्यार दीजिए। और इसके सॉन्ग्स एंड स्टोरी बहुत प्यारी है, और खास करके हम भी देखने जाने वाले हैं तो आप सब जरूर देखिए। थैंक यू काजल जी, और ये लव यू बोलते हैं लेकिन आई लव यू बोलता हूँ। आई और लव यू। हमारे साथ जो हैं अभी हमारे दीवानापन मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ हैं, सूरत शाह जी, नमस्कार। ये हमारे जिम ट्रेनर हैं राजा जी। तो हम लोग सब अभी शूटिंग का पेकअप हुआ और मैं वर्कआउट करने जा रहा था, लेकिन मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं 10 बजे आऊँगा आप सबसे मिलने, और मैं आया। तो बस कुछ उलझने हुई है इस मूवी के लिए, अगर
मैं एक चीज़ तो सोचता हूँ कि अगर मेरे अपने पब्लिक के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक अच्छी मूवी का हिस्सा बना हूँ इस बात की खुशी है। और जब कोई चीज़ अच्छी बनती है तो उलझने तो आती ही है। अंकित सैनी जी, बस लव यू भाई। और अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ज़रूर आप सब चाहेंगे तो क्यों नहीं हिट होगी, क्योंकि एक अच्छी मूवी का हिस्सा बना हूँ इस बात की खुशी है मुझे। क्योंकि मेरे हर उस मुकाम पे आप सबका बहुत ज़्यादा हक है, मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा हक है आप सबका। क्योंकि आज आप लोगों ने जो मुझे जीवन दिया है, शायद मैं उसका आजीवन कर्जदार हूँ। मैं 7 जन्म भी लूँ तो शायद आप सबका कर्जा ना चुका पाऊँ। तो ज़िंदगी में बस एक एक ही चीज़ तो मैंने कमाई है, बस आपका प्यार। और उसी प्यार के साथ मर जाना चाहता हूँ और उसी प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। तो बस मेरी दुआ है कि आप सब बहुत कुशल रहिए, आप सबकी सारी कष्टें खेसारी को मिल जाए। मुझे मेरे पे एक केस नहीं, अगर करोड़ों केस भी हो जाए ना, तो आप सबका प्यार और आप सबकी दुआ मेरे साथ है तो शायद मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो दुनिया का सबसे महान आदमी होता है, क्योंकि आपका प्यार ही उसको महान बनाता है। और काजल जी ने आई लव यू, रवि राज जी आई लव यू, प्रमोद प्रसाद जी थैंक यू थैंक यू, लव यू भाई। आपकी सारी जेल जाना होगा तो दुआ जाऊंगा। अरे भाई मेरा, अगर आप सबके प्यार के लिए मुझे जेल भी जाना होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। ये एक्चुअली जेल से कम नहीं होता, फैमिली से दूर रह के। इतना दूर हम शूट करते हैं, पूरा महीना महीना बाहर रहते हैं, और फैमिली फैमिली को साल में कम से कम बहुत कम टाइम दे पाते हैं हम लोग, तो ये जेल से कम नहीं होती है सजा। बस रिक्वेस्ट है एंड आप सब मूवी देखने जाइए, और आपके सुपरस्टार भाई, आपके जो भी है सब, इनको प्यार दीजिए। और जितनी लड़कियां इनके क्रश में है ना, जिन प्यार करती हैं, वो इनके लिए जाइए। और भैया बहुत अच्छे हैं, और हम अभी फिलहाल शूट कर रहे हैं दीवानापन। हम एमपी में शूट कर रहे हैं, खजुराहो में, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। ये भी बहुत अच्छी फिल्म बन के आएगी और आप सबके बीच बहुत जल्द आएगी। 4 तारीख को आपकी भी रिलीज हो रही है। और 4 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। हम हैं हिंदुस्तानी, जो जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, और उसके 3 सॉन्ग्स अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। फसरी लगा दे, कमल के दीपक का फूल सर एंड वो कटिया फोन जनी वाला, फोन। हाँ कतिया जनी फोन। आप सब देखिए और लाइक करिए और ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए। बात करने दीजिए, अपने भाइयों से मुझे बात करने ये दीजिए, नहीं, हम बात प्लीज करेंगे। दीजिए ना, मैं इनसे दूर रह के मर जाऊंगा। दीजिए ना प्लीज प्लीज काजल जी, ओ दीजिए ना। तो लव यू, आप मैं सबके बीच करता में जब भी हम हूँ, आते हैं ना तो एक चीज तो खुशी मिलती है, नहीं बढ़ रहा है। जिस तरह माँ बाप का प्यार मिला है हमें बचपन में, उसी तरह आज मैं आज 27-28 बरस का हो गया, और वही प्यार आज माँ बाप की तरह आप सब खेसारी लाल को देते हैं। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के लिए गाना सुना दीजिए, दिलवाला का, जो आपका फेवरेट हो। यहाँ मांग आ रही है अच्छा, इसलिए। दिलवाला फिल्म का एक मेरा गाना है, उसमें मैं लड़की बन के किया हूँ। अरे कवन भतर कटनी भतारी के फसवलस, हमारा के दिखला तक खासे हो नहीं ना से, हमारे रहता जवानी उपासे हो नहीं ना से। बस यही गाना मैं लेडीज बन के किया था। उस समय थोड़ा सा स्लिम था, पतला था, क्योंकि वो बहुत सारी केस हुए मेरे पे, इसके वजह से उस मूवी का थोड़ा सा डिले हो गया। क्योंकि अच्छी चीज़ें जब आती है ना तो नज़र तो लगती है कुछ लोगों की, तो ठीक है कोई नहीं। और विकी राजी थैंक यू, योगी बाबा कितना SMS किया कुछ रिप्लाई नहीं। बाबा क्या करें, आप ही के प्यार के लिए तो जी रहे हैं योगी बाबा। बस सॉरी, माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है तो बस आपके प्यार के लिए करता रहता हूँ मैं। अगर पूरे दिन मोबाइल में रहूँगा तो मैं काम कैसे करूँगा, आपका हेल्थी मनोरंजन कैसे करा पाऊँगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सबके मनोरंजन के लिए अपने जी जान दिनों रात वर्कआउट से लेकर दिनों रात जलता रहता हूँ सिर्फ आपके प्यार के लिए। क्योंकि आपने जो प्यार दिया है शायद मैं उसका कर्जदार हूँ। प्रशांत मिश्रा जी, बाबा गोड़ लगा तनी, गोड़ छू के प्रणाम करा तनी। अनिल निसार जी, बस जैकिया कुमार, पवन कुमार यादव लव यू भाई, गुप्ता जी, गुड्डू गुप्ता जी,
बस 21 तारीख को जो मेरी फिल्म 20 या 21 को शायद रिलीज हो रही है, जिसका नाम है दिलवाला, जिसके केस में मैं उलझा हुआ हूँ। कम से कम 2-3 तारीख पे मैं गया भी, बहुत परेशानी होती है मुझे तारीख पे जाने में, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो कोर्ट कचहरी में थोड़ा सा परेशानी होती है मुझे, और बहुत पंगा होता है, साइन उन करना होता है ना, तो दिक्कत होती है मुझे, तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है मुझे, क्योंकि मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, और आप लोगों ने इतना बड़ा पौधा खड़ा कर दिया मुझ पे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी मुझे, तो थोड़ा सा होता है। अगर मैं भी पैसे वाला बाप का बेटा होता तो शायद मैं कोर्ट कचहरी से, मुझे बहुत इजीली मेरे लिए होती, लेकिन शायद मेरे लिए कोर्ट कचहरी इजीली नहीं है, क्योंकि मैं भैंस पर बैठकर अपने जीवन की शुरुआत किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होती है कोर्ट कचहरी से। और दिलवाला फिल्म के लिए मुझे बहुत कष्ट हुआ, रिलीज कराने में इतनी सारी परेशानियाँ आई, लेकिन आज एक अच्छी मूवी का हिस्सा बना हूँ, इस बात का मुझे फख्र है जे मैं एक अच्छी मूवी का हिस्सा बना हूँ। जिस तरह मेरी मेहंदी लगा के रखना एक अच्छी मूवी, बाबरी मस्जिद, क्योंकि जब भी मेरी अच्छी मूवी बनी है ना, तभी कोई ना कोई अड़चन आती ही आती है, पता नहीं क्यों परेशानी होती है। मेरी मेहंदी लगा के रखना जब अच्छी मूवी बनी तो नोट बंद हो गया, उसके बाद दिलवाला अच्छी मूवी बनी तो फिर 2-3 केस मेरे पे हो गया, 2 केस और लगे हैं, बाद में बताऊंगा आप सबको, किसी दिन मीडिया में आऊंगा तो बताऊंगा कि उस केस में क्या अड़चने हैं। लेकिन छोड़िए, लेकिन अक्षरा जी के साथ मैं जब भी काम किया हूँ मुझे कुछ सीखने को मिला है उनसे, क्योंकि वो अच्छी एक्ट्रेस है, मेरी सीनियर है, उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने अपना करियर शुरू किया, तो और बहुत हेल्थी एक्टर हैं वो, बहुत अच्छी डांसर हैं, अच्छी नेचर से हैं, अच्छा उनका बिहेवियर है, उन्होंने जो भी काम किया मेरे साथ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो हमेशा सीखने को मिलेगा और हमेशा सीखा हूँ मैं। अमित भाई, हेलो भैया, लव यू, लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सॉरी आई लव यू ही बोलता हूँ मैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करिएगा जी, आई लव यू सिखाइए खेसारी को, ये मेरी अब क्या करो, मैं इसको कैसे चेंज करूँ जो मेरी बचपना है। प्रशांत मिश्रा जी, नहीं, जीवन में अनुभव आप लोगों ने हम लोगों को दिया है, प्रशांत मिश्रा जी जो अनुभव आप सब ने हमें दिया है, जो प्यार हमें दिया है, शायद हम मर के भी नहीं चुका पाए, 7 जन्म ले तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद का खर्चा हम नहीं चुका पाएंगे। तो जब कोई भी ये यज्ञ शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बधाएं आती है, और हमारे लिए दिलवाला यज्ञ है, और मैंने शुरू किया तो बधाएं बहुत आई, और रिलीज करने पे आज मैं कोर्ट तक जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, आपका प्यार अगर उसके साथ है, आशीर्वाद उसके साथ है, तो शायद मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं, मुझे पता है कि 21 तारीख को आप लोग इतना प्यार देंगे दिलवाला को कि शायद वो एक ऐतिहासिक प्यार होगा, तो बस अपने भाई को इजाज़त दीजिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और मैं अब थोड़ा सा जा रहा हूँ, जिम करना है, क्योंकि मैं अभी शूट से थक के आया हूँ, फिर जाऊँगा 1 घंटा जिम करूँगा, फिर सुबह 7 बजे उठ के मुझे सेट पे जाना है, तो बस, और बीच में फिर मुझे कोर्ट भी जाना है शूटिंग छोड़ के, लेकिन क्या करूँ, लड़ रहा हूँ, लेकिन बस रिजल्ट आप सबके हाथ में है कि आप लोग कैसे अपने भाई को प्यार देंगे, मोहब्बत करेंगे। और ये पवन राज तिवारी जी, गोल लगतनी बाबा, रउआ सबके प्यार आशीर्वाद, और रउआ सबके आशीर्वाद खेसरिया के, जैसे रजनीश मिश्रा जी के आशीर्वाद खेसरिया के मिलल, तो हमेशा ब्राह्मण कुल हमारे लिए बहुत पूजनीय होता है, मैं हर उस ब्राह्मण को अपने गुरु की तरह मानता हूँ, इसीलिए, क्योंकि उन लोगों का आशीर्वाद इतना मिलता है। मेरे बुलबुल भैया बहुत प्यार करते हैं मुझे, बड़े भैया हैं मेरे, और कहीं ना कहीं प्यार आप सबका मिलता है, और आशीर्वाद ही आप सबका मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो लव यू सबको, ऑल लव यू। छोटू पांडे जी, थैंक यू भैया, भैया तो नहीं बोल सकता हूँ, थैंक यू बाबा, और प्रणाम, गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं, और ऐसे ही प्यार हुआ सब बनौले रहीं, और ऐसे ही आशीर्वाद बनौले रहीं, जिंदगी में रहुआ सबसे बढ़ के हमारा खाति क्यों नीखे। और दिलवाला फिल्म के इतना मोहब्बत दे दी रहुआ सभी, इतना प्यार दे दी कि एक अच्छा फिल्म के, और जिस प्रोड्यूसर का मैं आप सबके नाम लेता नहीं ना, गुड्डू पाल और राजू, राजू पाल के, ये मूवी के बनाव में उस इंसान के पास पैसे नहीं थे, जब रिलीज हुआ तो जिनसे बात हुई थी उन्होंने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, केस बहुत चीज़ें हुई, उसकी औरत डेथ कर गई, 28 बरस का आदमी और उसकी औरत डेथ कर गई, उसके पास पैसा नहीं था जो अपने बीवी को बचा सका, आज भी मैं उस मूवी का पैसा नहीं लिया, क्योंकि
एक अच्छा मूवी बना है इसलिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी मूवी की तलाश है। और गुड्डू पाल आज जो है बेचारा, और राजू एक छोटी सी बच्ची लेकर वो बेचारा बॉम्बे में रहता है। आज 28-29 बरस की उम्र में उसकी बीबी का देहांत हो गया इस फिल्म के चक्कर में। और लोगों को थोड़ा भी, ये दुनिया है ना भैया, हर आदमी आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह आशीर्वाद देने वाले लोग नहीं है, हर आदमी उंगली करना जानता है। तो कोई नहीं, लेकिन दिलवाला फिल्म अंत में आप सबके बीच में आज रिलीज हो रही है, तो इतना प्यार दीजिए कि इस मूवी के बनाने के चक्कर में और रिलीज करने के चक्कर में उस बेचारे की बीबी का देहांत हो गया और रिलीज नहीं कर पाया। केस फौजदारी में वो भी उलझ गया, मैं भी उलझ गया, हम दोनों परेशान हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इतना इस मूवी को प्यार दे कि उस औरत को आत्मा को शांति मिले और अच्छी मूवी का आप भी हिस्सा बने, ताकि हर आदमी दिलवाला की तरह ही मूवी बनाए और एक घर परिवार की कहानी आप जब देखेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, एक बाप अपने बेटे को कैसे संवारता है और बेटा अपने बीवी के चक्कर में दुनिया में क्या से क्या कर जाता है, उस माँ बाप को अनाथ समझ लेता है। तो आप जब देखेंगे तो अपने माँ बाप से प्यार करने लगेंगे, आपको अपने माँ बाप से प्यार हो जाएगी जब इस मूवी को देखेंगे। तो ऐसा ही खेसारी लाल किया है। तो मैं चाहूँगा कि बस, अरे कटी हजनी फोन लोन लेके कैले बानी हो, ये मेरे मैं हूँ हिंदुस्तानी फिल्म का है, हम हैं हिंदुस्तानी जिसका नाम बाबरी था। तो आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए और अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा सा जिम करने जा रहा हूँ। तो अविनाश पाठक जी, गोर लगता नहीं बाबा, बस आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही रहो सभी। अमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय कुमार जी, लव यू भाई, लव यू। पटेल जी, लव यू भाई। राज जी, अमित भाई, थैंक यू, लव यू भाई। अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए आप सब, और ढेर सारा मोहब्बत करिए। और ये मेरा ओरिजिनल फेसबुक आईडी है, तो आप लोग इस पे जुड़िएगा। ऐसे मेरे 16,000 फेक आईडी बने हैं, तो प्लीज़ जिस पे मैं लाइव हूँ यही मेरा फेसबुक आईडी है जो कि ओरिजिनल है। और इस पे आप लोग, क्योंकि 16,000 है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कि मेरा कौन है, तो प्लीज़ आप लोग, ये मेरा ओरिजिनल है, तो इस पे आप लोग प्यार दीजिए। और जब भी जुड़ना हो तो इस फेसबुक के आईडी से आप जुड़िए, और ढेर सारा मोहब्बत। और मेरे दिलवाला फिल्म को इतना प्यार दे दीजिए, इतना प्यार कि हर वो इंसान, हर वो डायरेक्टर, हर वो प्रोड्यूसर दिलवाला मूवी ही बनाए और दिलवाला की तरह हर घर परिवार की कहानी और एक मिट्टी से जुड़ी ही कहानी। आप लोग फाइट देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़ी ही कहानी एक दिलवाला है जो कि सतीश जैन जी ने अपने दिल से और मेरे दिल से मूवी बनी है, और मैं दिल से काम किया हूँ और वो मेरे दिल की करीब है। तो इसको ढेर सारा मोहब्बत और ढेर सारा प्यार दीजिए। निसार निकेश कुमार जी, हेलो, थैंक यू भाई। सनु सनेह भैया, लव यू, लव यू। मनोज गुप्ता जी, लव यू भैया। अमन साथ साथ जी, थैंक यू, थैंक यू। विकास साहब भाई कलकत्ता, बाय भाई, बाय, लव यू भाई, बाय, प्रणाम।